आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर के टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो आपके आगामी एग्जाम हॉस्टल वार्ड में 30 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न आपके सामने यह रहा, एमएस वर्ल्ड। आप सभी को मालूम होगा कि एमएस वर्ल्ड से क्वेश्चन 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में हर एक एग्जाम में पूछता है। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर अवश्य कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं पहला क्लास, एमएस एक्सेल क्या है। तो एमएस एक्सेल क्या है, विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। क्या है, स्प्रेडशीट पैकेज है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूं, सेकंड क्वेश्चन, प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं। आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, क्या होगा इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा अगर आपको मालूम है। ऑप्शन ए फाइल नेम, ऑप्शन बी प्रोग्राम, ऑप्शन सी रिकॉर्ड या ऑप्शन डी डाटा। तो ऐसे वीडियो डेली आपको मिलने वाली हैं। पहली बार आए तो क्या करोगे, वीडियो को लाइक अवश्य करना। प्रयोक्ता जो होता है, दस्तावेज जो नाम देता है उसको प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोग्राम, सॉरी फाइल नेम कहते हैं। जो दस्तावेज होता है उसको फाइल नेम कहते हैं। इसका आंसर ए होगा। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी कहिए कि इसका आंसर क्या होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस वर्ष लॉन्च किया गया। तो आप सभी को मालूम होगा 1986 में माइक्रोसॉफ्ट को लॉन्च किया गया था, ठीक है। आपके CGPSC विद्युत विभाग में पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड में फाइल का वर्तमान डिफॉल्ट रूप क्या होता है। तो DOC यानी कि DOS। आपको पहले ही बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड में जो फाइल होता है उसको DOS कहा जाता है। नेक्स्ट है, सभी आपके एग्जाम में पूछे गए व्यापम का ही क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नवीनतम संस्करण कौन सा है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो माइक्रोसॉफ्ट है उसका संस्करण कौन सा है, तो आप बताएंगे 2019 में इसका संस्करण किया गया था, नवीनतम संस्करण, ठीक है। यह आपके CSPSCCL 2019 में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक CG व्यापम 2021 का क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो निजी है सूचना प्रबंधक आउटलुक होता है, और पटवारी प्रशिक्षण विभागी 2021 में पूछा गया है। 2000 पटवारी के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो निजी सूचना है, निजी इंफॉर्मेशन है, कौन सा प्रबंधक है। तो आउटलुक याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट को कैसे चिपकाते हैं, कैसे चिपकाते हैं, तो Ctrl+V एरसेन में, ठीक है। इसका आंसर डी होगा। वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर देखेंगे सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम में व्यापम में पूछे गए हैं विगत वर्षों का, है ना, बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा क्वेश्चन है। अब स्लाइड्स हो, आप सभी को मालूम होगा, देखते ही आंसर आ जाना चाहिए, F1 F2 A4 या A5 क्या होगा कमेंट करके बताएंगे। देखते ही सभी लोग इसका आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि स्लाइड्स तो होता है यानी कि A5। अगर पूछा जाए कि स्पेलिंग चेक करने के लिए, तो स्पेलिंग चेक करने के लिए F7। अब यहाँ पर देखेंगे F1 किस काम आता है, F2 किस काम आता है, F4 किस काम आता है। तो F1 आपका आता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं। तो ये F4 आता है आपका कंप्यूटर, कंप्यूटर के क्या करते हैं, बंद करते हैं या चालू करते हैं, वो वाला Alt+F4, ठीक। उसी पर ये आपका हेल्प करता है, ये क्या करता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ओपन वाला, ठीक। चलिए यहाँ पर CG व्यापम लेबर इंस्पेक्टर 2018 में, एम 2017 में और 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। अब है नया प्रेजेंटेशन से बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, नया जो प्रेजेंटेशन इससे क्या बना सकते हैं, ब्लैंक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, एग्जिस्टिंग बना सकते हैं, डिजाइन टेम्पल कर सकते हैं, टेम्पलेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 2021 की व्यापम में पूछा गया है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में मैक्सिमम जूम का जो प्रतिशत होता है कितना होता है, एग्जाम में 2021 के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो मैक्सिमम का जूम प्रतिशत होता है, जूम इस प्रकार हम जूम कर सकते हैं या इसको बड़ा वाला ऐसे बना सकते हैं, जूम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये जूम आऊँ, मैंने जूम किया, फिर छोटा किया, फिर जूम किया, फिर छोटा किया, ये आप देख पा रहे हैं ना। इसी प्रकार मैक्सिमम जूम का प्रतिशत होता है 400%, कितना होता है 400%, मिनिमम आपका 100%, ठीक याद रखना। यहाँ पर देखेंगे एक बार फिर से कि माइक्रोसॉफ्ट जो पावर पॉइंट है उसमें, पावर पॉइंट में आप हमेशा याद रखना 400% जूम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे व्यापम 2017 में पूछा गया है कि
कंप्यूटर वर्ल्ड में किस शॉर्टकट की का उपयोग स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए किया जाता है? मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि F1 यानी फंक्शन की से F12 तक आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर F5 आपका स्लाइड शो ठीक है, स्लाइड शो का काम आता है। F7 स्पेलिंग चेक करने का काम आता है। ये आपका F4 कंप्यूटर के लिए काम आता है, बंद करना चालू करना। ये आपका F3 है, मदद करना, हेल्प करना, इस प्रकार से। तो आप लोग याद रखना कि F1 से F12 तक ये जो संख्या है फंक्शन की, उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि F12 होता है सेव एज डायलॉग बॉक्स, जबकि F11 होता है आपका जूम इन जूम आउट के लिए, ऐसे जूम और जूम आउट के लिए, बड़ा छोटा करने के लिए, ठीक है। ये आपका देखिए एग्जाम में बार बार पूछा गया, पटवारी के परीक्षा 2021 में, लेक्चरर भर्ती 2019 में, सीजी व्यापम 2018 में, एजीडीओ 2018 में और हौसल वार्डन 2016 का क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हुआ, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। वर्ड प्रोसेसर का उपयोग कब करते हैं, इसका उपयोग कब करते हैं, तो टेक्स्ट लिखने के लिए, जब भी हम लिखेंगे कुछ तो इसका उपयोग वर्ड प्रोसेसर में करेंगे, टेक्स्ट को एडिट करेंगे तब भी करेंगे, टेक्स्ट को प्रिंट करेंगे तब भी वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर डी होगा। MP शिक्षक 2019 में पूछा गया है, पटवारी के 2021 के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो जितने भी टॉपिक आपको करा रहा हूँ MS वर्ल्ड से, उतना आप लोग पढ़ लीजिएगा और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सकेगा वीडियो को लाइक करेंगे। अगर हमारा परफॉर्मेंस अच्छा लगता है तो इसका पार्ट 2 वीडियो हम लेकर जरूर आएंगे, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं F8 बटन 3 बार दबाने पर वर्ल्ड डॉक्यूमेंट क्या चयन होता है। अब देखिए जो F8 है, F8 जैसे F7 आप सभी को मालूम होगा स्पेलिंग चेक करने के लिए, F5 आपका होगा स्लाइड शो करने के लिए, है ना, F11 आपको जूम आउट जूम आउट करने के लिए, और F12 आपका आ जाएगा सेव एंड डायलॉग्स बॉक्स के लिए। तो उसी प्रकार पूछा गया है F8 यानी कि F8 का जो प्रयोग है उसको तीन बार, कितने बार, तीन बार उसको दबाएंगे तो क्या चयन होगा, तो पैराग्राफ, एक पैराग्राफ चयन होगा अनुच्छेद के अनुसार, आर्टिकल के अनुसार, ठीक है। यह आपका 2017 में पूछा गया है। अब यहाँ पर पूछा गया कि किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग MS वर्ल्ड में डॉक्यूमेंट सर्च करने के लिए किया जाए। जब भी हम डॉक्यूमेंट सर्च करेंगे तो ऐप किसका इस्तेमाल करता है, फंक्शन के लिए, याद रखना ऐप क्या है, एक फंक्शन है। तो फंक्शन में पूछा क्या है, इसको आपको आसानी से याद होना चाहिए। आप इतना अगर क्वेश्चन मालूम नहीं है, आंसर मालूम नहीं है, कैसे करोगे, ऐसे कौन सा शॉर्टकट की है जिसका उपयोग MS वर्ल्ड में डॉक्यूमेंट को सर्च करते हैं। अब सर्च किससे करेंगे, फंक्शन रहेगा तभी तो सर्च करेंगे। तो आप एप फंक्शन एप, अब एप कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर, तो कंट्रोल प्लस एप, क्लियर। और कंट्रोल प्लस एन का मतलब होता है नई स्लाइड शो, ठीक है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, विंडो। इसका मतलब क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। यह आपके शिक्षक भर्ती और हॉस्टल वाड़ने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा है जो MS वर्ल्ड फाइल का वैध विस्तार है, आप सभी को पहले ही बताया था, जब भी MS वर्ल्ड वाला पूछे, DOCX डॉक्स, याद रखना जो फाइल का विस्तार है डॉक्स, क्या होगा आंसर, डी होगा। और विद्युत विभाग 2019 में पूछा है। तो जितने भी टॉपिक करा रहा हूँ पूरा व्यापम का ही क्वेश्चन है। ये भी हर बार एग्जाम में पूछा जाए, साधारणतः फुटर कहाँ पर प्रिंट होता है, यानी कि हर पन्ने पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, हर पन्ने पर या हर पृष्ठ पर या प्रत्येक पृष्ठ पर या सभी पृष्ठ पर, ऐसे कोई भी दिया रहेगा टप से आप लगा दोगे टिक। क्या लगाओगे, साधारण जो फुटर कभी भी देखोगे, साधारण जो फुटर होता है वो हर पन्ने पर होता है, प्रत्येक पन्ने पर होता है ना, प्रत्येक हर जगह होता है साधारण फुटर, सभी पृष्ठ में होता है, आंसर सी होगा। पटवारी 2019 में पूछा गया है। अब निम्नलिखित में कौन सा MS वर्ल्ड 2007 के लिए मान्यता फाइल एक्सटेंशन है। जब भी कभी भी MS वर्ल्ड पूछा जाए तो DOCX, चाहे हो 7 हो 9 हो जो भी हो, हमेशा MS वर्ल्ड पूछा जा रहा है, डॉस ही लगाना है। तो डॉस क्या है, फाइल है, इसकी एक्सटेंशन है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड क्या है, प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, क्या है, प्रोग्राम, प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक। MS वर्ल्ड में कौन सा फॉन्ट का एक स्टाइल नहीं है, तो यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट, क्या होगा, सुपर स्क्रिप्ट, याद रखना MS वर्ल्ड में कौन सा फॉन्ट का एक स्टाइल नहीं है, आंसर सी होगा।
एमएस वर्ल्ड में किस शॉर्टकट की का यहाँ पर बार बार कॉल ना करें, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक। एमएस वर्ल्ड में किस शॉर्ट की का उपयोग चयनित टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए किया जाता है। जब भी आप इटैलिक करोगे, इटैलिक मतलब इट लैग करोगे, तो किया जाता है कंट्रोल प्लस वन के लिए, ठीक है। चलिए, एक टूल जिसका उपयोग कंप्यूटर में फॉर्म लेटर बनाने के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, मेल मर्ज के लिए। याद रखना, किसके लिए, मेल मर्ज के लिए। जब भी आप एक टूल जिसका उपयोग कंप्यूटर में फॉर्म लेटर बनाने के लिए किया जाएगा, तब आप मेल मर्ज का उपयोग करोगे। किसका, मेल मर्ज का उपयोग करोगे, जब भी एक टूल जिसका उपयोग होता है कंप्यूटर में, ठीक है। स्प्रेडशीट डाटा को ऑर्गेनाइज कैसा होता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, 2021 के एग्जाम में भी पूछा गया है, 18 में भी पूछा गया। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर व्यापम के 18 में पूछा गया है। तो स्प्रेडशीट डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है, तो रो और कॉलम में। जब भी ऐसा रो और कॉलम वाला बात आएगा ना, स्प्रेडशीट में डाटा ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे एक्सेल वर्कबुक का जो संग्रह होता है क्या होगा, इनमें से कौन सा होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। चार, वर्ड बुक, वर्कशीट, या एक और तीन, या इनमें से कोई नहीं। जब भी अब एक्सेल वर्कबुक संग्रह होगा, तब आप कौन सा प्रयोग करोगे, चार्ट का प्रयोग करोगे, वर्ड बुक का प्रयोग करोगे, वर्कशीट का प्रयोग करोगे, या तीनों का प्रयोग करोगे, या एक दो तीन। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका इसका आंसर सी होगा, वर्कशीट। जब भी आप इस प्रकार के करोगे तो वर्कशीट का प्रयोग करोगे। वर्ड प्रोसेसिंग फ्यूचर जो पेज को हिस्सा में बांटता है क्या कहलाता है। जब भी आप वर्ड प्रोसेसिंग से बात करेगा, है ना, तो आप कॉलम जानते हो, कॉलम इस प्रकार होता है, ये रो है, रो ये क्या होगा, कॉलम लंबा। जैसे आप घर बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं तो कॉलम कैसा होता है, इस प्रकार होता है ना, कॉलम लंबा, वैसे ही कॉलम जो पेज के हिस्सों को बांटता है, ठीक है। कंप्यूटर के मेन्यू बार में पेज सेटअप ऑप्शन निम्न में से किस में होता है। जब भी आप पेज को सेटअप करोगे, किस में जाकर करोगे, फाइल में जाओगे, तभी तो पेज को क्या करोगे, सेट कर पाओगे। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, आपके व्यापम 2018 और 19 में पूछा है। डॉक्यूमेंट के नीचे पहुंचने के लिए निम्न में से कौन से की बताते हैं, ऐसा कौन से की है जो दबाते हैं, कंट्रोल प्लस एंड, कंट्रोल प्लस एंड, ठीक। एमएस वर्ल्ड में दो पंक्ति, याद रखना है, एमएस वर्ल्ड में कितने पंक्ति, एक और एक, दो पंक्ति के मध्य जो लाइन के मध्य अंतराल होता है, दूरी होता है, ये किस प्रयोग कर बढ़ाया जा सकता है। तो जब भी इस प्रकार का सवाल पूछेगा तो होम टैब, पैराग्राफ और लाइन स्पेसिंग में, ठीक। एमएस वर्ल्ड सॉफ्टवेयर में पैराग्राफ के लिए की गई अस्थाई लेफ्ट या राइट मार्जिन को कहते हैं इंडेंट, क्या कहते हैं, इंडेंट, याद रखना, इंडेंट कहा जाता है। जब भी आप एमएस वर्ल्ड सॉफ्टवेयर में पैराग्राफ के लिए अस्थाई लेफ्ट या राइट मार्जिन करते हो तो उसमें इंडेंट कहलाता है। एमएस वर्ल्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन होता है, तो याद रखना दो प्रकार से, वो कौन कौन सा है, तो कमेंट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके बताइएगा, अगर अच्छा लगता है तो वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा, सर आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, आप रेगुलर क्लास लेकर आएंगे, और ये आपका पार्ट टू वीडियो हम लेकर इस बार आएंगे, ठीक है। तो एमएस वर्ल्ड में सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के ओरिएंटेशन होता है, तो दो प्रकार का होता है। चलिए देखेंगे, पटवारी 2017 में पूछा गया है कि एक्सेल में से नई वर्कबुक में डिफॉल्ट रूप में वर्कशीट शामिल होते हैं कितने रूप से, एक, तीन, पाँच या तीन, एक, दो, तीन या पाँच या तीन या छः, क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। एक्सेल में एक नई वर्कबुक में डिफॉल्ट रूप में वर्कशीट शामिल होता है, उसको कितने प्रकार से होता है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आपके पटवारी एग्जाम 2021 में पूछा गया है, ठीक है। साधारणतः फुटर कहाँ होता है, देखिए बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है, ये सभी पृष्ठ पर, हर पन्ने पर, प्रत्येक पन्ने पर या प्रत्येक पृष्ठ पर, इस प्रकार पूछा जाएगा, फुटर मतलब सभी पृष्ठ पर। एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर के ग्रुप में कौन सा स्प्रेडशीट एक एप्लीकेशन है, तो एक्सेल क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि एमएस वर्ल्ड, पावर पॉइंट, एक्सेस क्या है, कमेंट करके बताइए, क्योंकि पटवारी 2019 में पूछा गया है, ठीक। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पोर्ट्रेट एयर का मतलब होता है पेज का ओरिएंटेशन, अभी जो आपको बताया था 19 में पूछा गया है।
एमएस एक्सेल में शेष फल की गणना किस फंक्शन को उपयोग किया जाता है? मोडो। ठीक, तो लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसका पार्ट टू वीडियो आपको लेकर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 2019 में पूछा गया है कि एक्सेल में एक रो, एक मिनट ना, एमएस एक्सेल में एक रो, रो को चयन करने के लिए किस बोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? जब भी हम रो को करेंगे तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार। ठीक, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, याद रखना, जब भी हम आपको जब भी आपको रो वाला जब चयन करना पड़ेगा ना एक्सेल में, ठीक है, तो शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस स्पेस बार। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे, वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए फिर इतना ही, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो को